केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री और भाजपा सांसद संजीव बालियान ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो आज शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का नाम जिन्ना के नाम पर होता। वहीं संजीव बालियान ने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश सिर्फ ट्विटर पर नजर आते थे लेकिन चुनाव की वजह से अब वो घर से निकल पड़े। अखिलेश यादव जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, जिन्ना को आदर सत्कार दे रहे हैं, जो पार्टीशन का जिम्मेदार है, जो लाखों व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। उनकी सरकार होती तो ऐसे ही नाम होते थे, इंडस्ट्रीज के जिन्ना या कुछ और इस तरह के नाम। अब भाजपा की सरकार है तो माँ शाकुंभरी देवी नाम है, तो अंतर लोगों को याद रहना चाहिए दोनों सरकारों का। तो अखिलेश यादव लगातार निशाना साधते हैं कि इस सरकार में लगातार अपराध बढ़ा है और जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कागजों में हो रहे हैं। दिल्ली से आए हैं ना आप? दिल्ली से आए हैं, 6 घंटे लगते थे पहले, अब 2.5 घंटे लगे होंगे, 3 घंटे। विकास और क्या होता है? अखिलेश यादव को शायद विकास की परिभाषा भी नहीं पता मुझे लगता है। लैंड ऑर्डर हर महीने दंगा, थाना अपराधी चलाते थे, कानून व्यवस्था तो हमारा मुद्दा ही है, किसी भी से पूछिए, हमारे सबसे बड़े विरोधी संतर पूछिए, वो बता देगा आपको। अखिलेश यादव जी 4.5 साल तो ट्विटर पर रहे, अब दिखाई देने शुरू हुए हैं, 6 महीने घूमने दो उनको। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव घर में रहे, ट्विटर पर रहे, अब बाहर निकले हैं, अब उनको समझ में आएगा कि जनता किसके साथ है। सहारनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।